सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है बेटा आप लोग सब परिवार स्वस्थ प्रसन्न होंगे, है ना? हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन दे देता है। बात समझ में आ रही है? इन्हीं सुविचारों के साथ आज हम इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। बात समझ में आ रही है ना कि भगवान सूर्य से हमें ये प्रेरणा लेना है कि किस तरह से सूर्योदय होते ही सारे संसार से अंधकार का लुप्त हो जाता है, अंधकार लुप्त हो जाता है और प्रकाश से अगजग प्रकाशित हो जाता है। हम सभी ऊर्जावान हो जाते हैं और उसी सूर्य की प्रेरणा से ऊर्जावान होकर अपने कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाते हैं, है ना बेटा? आशा है आप सभी मेरे इन विचारों से पूरी तरह सहमत होंगे। अब तक हम लोगों ने बेटा पाठ 6 तक और अभ्यास 6 तक पूरा कर लिया है। आज की कक्षा में ये पाठ 7, जैसा कि मैं आप लोगों को अग्रिम सूचना दे चुकी हूँ, इस पाठ का प्रारंभ करेंगे। वो पाठ क्या है? अन्याय के खिलाफ लड़ाई, है ना? जैसा कि इस शीर्षक से ही स्पष्ट है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई, मेरे समझ से आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि न्याय और अन्याय क्या होता है। न्याय सही, अन्याय इसके विपरीत, न्याय के विपरीत अन्याय, जुल्म, है ना? तो इसके खिलाफ लड़ाई यानी इसके विरोध में अगर किसी तरह का जुल्म हो रहा है तो उसे सहना चाहिए, नहीं सहना चाहिए या उसके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। एक बात बेटा मैं प्रारंभ में ही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही अपराध है। एक सीमा तक ही अन्याय को सहना चाहिए, लेकिन जब वो सीमा पार करने लगे तो फिर उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? अब आइए हम लोग पाठ पे आते हैं। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए और मेरे समझ से 101% बच्चों को ये जानकारी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, है ना? 15 अगस्त 1945, यानी ये जो घटना है ये कब की है? हमें आज़ादी मिलने के पहले की ये कहानी है। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, स्पष्ट हो गया? भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। देश हमारा मालूम है ना, और राज्य जो था, शासन जो था, सो अंग्रेजों का,
फलस्वरूप वो हम भारतवासियों पे तरह तरह के अत्याचार करते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी। आंध्र अर्थात आंध्र प्रदेश, समझ में आई? आंध्र के कोया आदिवासी और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू। अब ये बात समझ में आई ना बच्चों कि उन वो जो जुल्म करते थे, ये प्रारंभ में भी वही बता दिया गया कि उसके जब शुरू में ही हम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब जुल्म अत्याचार आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो फिर सामने वाला उसका प्रतिकार अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत ले आता है, है ना? अब चलिए आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया उनका जीवन मुश्किल हो गया। कैसे? देख लीजिए, अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासी पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन, अंग्रेज है ना? बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। समझ में आ गई ना कि ये बेचारे कोया आदिवासी सीधी सादे लोग थे और कमाना खाना इनका पेशा था, लेकिन अंग्रेजों ने आकर के उनमें खलल डाल दिया और उनका जीना मुश्किल कर दिया और एक अहम काम उन लोगों के सामने रखा, सड़क बनवाने का कार्य। और सड़क बनवाने के लिए मजदूर के रूप में इन कोया आदिवासियों को यूज करने की, इस्तेमाल करने की योजना उन लोगों के मन में आई, जिसका कि ये कौन था? बेस्टियन, है ना? अब ये बेस्टियन जो है उसके बारे में देख लीजिए कि उसकी गुण जो है उसके अंदर वो कैसे स्वभाव का है। इस पंक्ति से ही प्रारंभ में ये विदित हो जाता है। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खर और क्रूर था। आदिवासियों के गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला। ये प्रारंभ में ही इसके स्वभाव की जानकारी इन दो शब्दों से मिल जाती है, अक्खर और क्रूर, यानी वो निर्दयी जो बेरहमी के साथ किसी के साथ पेश आए, है ना? देख लीजिए क्या कहता है, दो दिन में सड़क बनाने का काम शुरू होगा, तुम लोगों को इस काम पर पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा, अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए, बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे, है ना? कोई उन लोगों के पास सहारा नहीं था, है ना? वे कुछ पूछे तो किससे पूछे, कुछ करे तो क्या करे? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा।
तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। सीधी सी बात है कि कोई भी अगर काम करता है तो उसकी मजदूरी तो उसे मिलनी ही चाहिए। तो इन्होंने ये बेचारे गरीब सीधे साधे आदिवासियों ने अगर ये पूछा तो सही पूछा कि काम करने का हमें क्या मजदूरी मिलेगा। उसके बाद बेस्टियन का जवाब सुनिए, हुक्म बजाना नौकर का काम है। हुक्म बजाना बेटा ये मुहावरा है, किसका काम बता रहा है, नौकर का काम है, यानी हुक्म बजाना आदेश का पालन करना। हुक्म देना होता है आदेश देना, हुक्म बजाना आदेश का पालन करना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। इन पंक्तियों से, इस वाक्य से स्पष्ट रूप से आप लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि ये सरासर अन्याय है। किस पे? आदिवासियों पे, वो या आदिवासियों के पर, है ना। फिर उसके बाद देखिए, आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे, है ना। ये देखिए, ये व्यवस्था, बेचारे असहाय थे, कुछ कर नहीं सकते थे और उनका हुक्म मानना था। बेचारे बिना वेतन के, बिना कुछ लिए काम करने के लिए वो मजबूर थे। लेकिन ऐसे में अगर कोई भी इंसान, इंसान तो इंसान होता है, अगर वो काम करेगा तो अंदर से वो उस अपमान, अपमान का अर्थ होता है बेटा निरादर, मान का उल्टा अपमान। इन छोटे छोटे चीजों को शब्दार्थ के रूप में बीच बीच में जो आएंगे मैं बताती जाऊंगी और आप इसे नोट करते जाइएगा, है ना। तो वो जो थे अपमान से, ये अपमान ही तो हुआ कि काम भी करना है और वो भी आपसे जबरदस्ती। तो इस अपमान की घूंट को वो अंदर ही अंदर पीते जा रहे थे, फलस्वरूप वे गुस्से से सुलग रहे थे। सुलग रहे थे यानी उनके अंदर वो जो गुस्सा का ज्वाला था वो भड़क रहा था। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। आप लोगों को ये पहले अनुच्छेद में इसके बारे में इस नाम की जानकारी मिली है ना। तो चलिए ये विस्तार से अभी इस कहानी में बताया जा रहा है कि वो क्या था। वो साधु एक था रहने आया, जिसका क्या नाम था, अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी, उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही, 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया था। हिल मिल, ठीक है ना। साधु जैसा कि बेटा समझ में आ रही है, साधु हम आज के युग में, साधु से भी लोगों का विश्वास उठ रहा है। क्यों? क्योंकि साधु के नाम पे वे ढोंग कर रहे हैं। साधु का सही अर्थ क्या होता है, जिसकी सात्विक प्रवृत्ति हो। सात्विक प्रवृत्ति यानी जिसमें परोपकार की भावना भरी हो, जो निस्वार्थ सेवा किसी के लिए करता है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में श्री राम राजू के चारित्रिक गुणों को बताया गया है, है ना, कि हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो आकर के पढ़ाई छोड़ करके और 18 वर्ष, सोच लीजिए, है ना, इस उम्र में वो आकर के साधु बन गए। और वो जब वहाँ रहने लगे तो उनके, यानी उनके चारित्रिक गुणों से ही प्रभावित होकर कोया आदिवासी उनके साथ हिल मिल गए। लोग उसे अपना दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते
कि कैसे कष्टों से छुटकारा पाएं, है ना। आप लोग भी देखते होंगे कि जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हमें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय बताता है ना। ऐसे में या तो हम इसी तरह के सात्विक चरित्र साधु लोगों की मदद में जाना चाहते हैं या भगवान को तो हर पल कि भगवान हमें इस मुसीबत से निकालिए करते हैं ना। तो वही बात है कि इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि सबका दुख दर्द वो सुनते थे और उससे निकलने का उपाय वो पूछते थे। ठीक है, श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अन्याय के सामने दबना नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों को प्रारंभ में ही बताया है ना बेटा कि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही एक तरह से वो जुल्म है ना। अन्याय अगर जितना अधिक सहते जाइएगा तो जो इस तरह का क्रूर स्वभाव का होता है वो अपना अधिकार समझ लेता है। इसलिए अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही अपने आप में जुल्म है। जब अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सामने वाले को उसका एहसास कराना ज़रूरी होता है। वही सुझाव इन्होंने श्री राम राजू ने दिया कि अन्याय के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए, है ना। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। इस तरह से उनका वो श्री राम राजू मोटिवेट किए और इस तरह की बातों से उसके अंदर हिम्मत आई। उसके बाद देखिए, श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें से एक मशहूर नेता हैं जिनका नाम गांधी जी है। बच्चों, आप लोगों ने गांधी जी का नाम सुना है ना, और ख़ास करके ये पिछले पाठ में हम लोगों ने गांधी जी के चारित्रिक विशेषताओं को बहुत ही उजागर रूप में देखा समझा, है ना। तो चलिए गांधी जी का उन्हीं का उदाहरण दे करके और ये कोया आदिवासियों की हिम्मत श्री राम राजू बढ़ा रहे हैं। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे, यानी उसका विरोध करेंगे। अन्याय का अर्थ है ना निरादर, अपमान, है ना, और इनकार करना यानी उसका विरोध करना, नहीं मानना। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भर की, विद्रोह यानी लड़ाई, है ना, ऐसी आग भर की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। यहाँ होश उड़ना भी बेटा एक मुहावरा है ना। होश उड़ना क्या होगा, आप लोग इसका अर्थ लिखिएगा वाक्य से, मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूटकर निकल पड़ा। आप लोग देख रहे हो ना कि इस श्री राम राजू के बातों से उनके अंदर किस तरह से हिम्मत आ रही है ना। तो आदिवासियों के मन में भरा क्या, अपमान जैसा कि पहले आया ही है, दुख और क्रोध, यानी तीनों चीज इन आदिवासियों के मन में इस अन्याय से भड़क रहा था और श्री राम राजू के इन बातों से वो फूटकर निकल पड़ा। भद्राचलम से पर्वती पूरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ
लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। समझ में आया? जब तक ये सह रहे थे, लेकिन जब ये इसका सामना करने की हिम्मत अपने अंदर जुटाए, तो फिर इस तरह से अंग्रेजों के कैसे छक्का छूटना भी ये एक मुहावरा है। समझ में आ रही होगी मेरे समझ से? सामने वाले को परास्त करना है ना, कि आसपास के राज्यों से वो बुलाए, पर अंग्रेजों की सेना, भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को, यानी 2 साल तक इस तरह का ये विद्रोह करते रहे। इस तरह बेटा अब तक यहाँ तक आज की कक्षा में हम लोग पढ़े, आगे जाने और आगे के कालांश को पुनः हम अगली कक्षा में फिर करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा और इसमें आए कठिन शब्दों को आप 5-5 बार लिखिएगा। साथ ही इस पाठ में मैं जो कुछ मुहावरों की ओर आप लोगों का ध्यान इंगित की हूँ, उस पर आप लोग उन मुहावरों को छांट करके और तब ये आप लोग गृह कार्य में अपनी कॉपी में सुंदर से बना करके मुहावरों से वाक्य। समझ में आई बच्चों? आगे का और एक चीज और मैं बता दे रही हूँ कि आगे ये जो है, बाकी जो कालांश बचा हुआ है, इसे आप लोग समझकर पढ़ लीजिएगा, ताकि जिस समय मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों के समझ में अच्छे से आता रहे। ठीक है ना बेटा? आशा है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और उसका आप लोग पालन भली भांति कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।